वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मेरा .com पर। चलते हैं आज की लेटेस्ट खबर की तरफ। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार इससे लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां एक तरफ स्कूल, कॉलेज और मॉल बाजार बंद कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, तो वहीं कई लोग इसे डराने वाला बता रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यह सरकार की तरफ से आम लोगों की जिंदगी के लिए पैदा हुए खतरे को कम करने की कोशिश हो रही है। अब इसी विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से अपील की है कि वे 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू लगाएं और अगर जरूरत ना हो तो घर से बिल्कुल भी ना निकलें। आखिर प्रधानमंत्री ने 22 तारीख से ही जनता कर्फ्यू की अपील क्यों की है और केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है, आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई में पूरी तरह सतर्क और सक्रिय केंद्र सरकार ने बाकी दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अलग हिंदुस्तान में एक सप्ताह के लिए देश को आइसोलेट यानी अलग कर लेने का फैसला किया है। सरकार ने 22 से 29 मार्च तक सभी देशों से आने जाने वाले उड़ानों पर रोक का ऐलान किया है। केवल किसी विशेष परिस्थिति में ही उड़ान की अनुमति दी जाएगी। अभी तक यूरोपीय संघ के अलावा 5 देशों से ही उड़ानों पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आमतौर पर किसी इलाकों में कर्फ्यू उस वक्त लगाया जाता है जब किन्हीं कारणों से हालात बेकाबू हो जाते हैं, जिससे कई बार हिंसा भड़काने के बाद कर्फ्यू लगाया जाता है। लेकिन जनता कर्फ्यू इस बार कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुद ब खुद इसे लगवाने की अपील कर रही है। जब आम कर्फ्यू लगाए जाते हैं तो उस दौरान बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जनता कर्फ्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सरकार की यह अपेक्षा है कि तय समय में लोग बेवजह सड़कों पर बिल्कुल भी न घूमें। अब 22 मार्च को लगने वाले जनता कर्फ्यू के लिए पीएम मोदी ने आम जनता से अपील की है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले जो कर्मचारी खतरे के बीच लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे घरों के दरवाजे पर या गैलरी में खड़े होकर ताली बजाकर सम्मानित करें और उनका हौसला भी बढ़ाए। कोरोना वायरस के खतरे का पूरी दुनिया सामना कर रही है। भारत में लगातार इस खतरनाक वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 193 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पर अब समय आ चुका है कि पूरा हिंदुस्तान इसका डटकर सामना करे और इसे जड़ से खत्म कर दे। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस विषय में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी सारी हाइलाइट्स आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।